हेलो दोस्तों, आज मेरे घर रात का खाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, तो हमारे घर मैगी बनने जा रही है। तो मैगी के लिए हमने ये कुछ सामग्री ले रखी है, जिसमें ये दो टमाटर हैं छोटे साइज़ के, उनको काट लिया है। ये लहसुन की तीन चार कलियां हैं। ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। ये कुछ हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज काट लिए हैं। और ये हमने 5 छोटे वाले मैगी लिए हैं। और ये मैगी का मसाला है। तो चलिए मैगी बनाना शुरू करते हैं। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। हम कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है दोस्तों, अब हम इसमें जो लहसुन हमने काटा था वो डाल देंगे। लहसुन को थोड़ी देर भूनेंगे। अब इसी के बाद हम ये अपना हरा मिर्च डाल देंगे। थोड़ी देर हरा मिर्च को ही भून लेंगे। अब इसके बाद जो हमने प्याज काट रखी थी उसको मिला लेंगे। प्याज को थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो दोस्तों, अब हमारा प्याज भून गया है। अब हम इसमें मैगी का मसाला जो लिए हैं वो मिलाएंगे। मसाला जले ना, इसके लिए थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। थोड़ा सा पानी और मिलाते हैं। थोड़ा सा चला चला के भून लेते हैं मसाले को भी साथ में। तो दोस्तों, मसाला हमारा भून के तैयार हो गया है। अब हमने जो टमाटर काट रखे थे उसको मिलाते हैं। टमाटर को भी थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तक भून लेते हैं मसाले के साथ। तो जब तक हमारा ये मसाला भून रहा है, तब तक हम जो मैगी लिए थे उसको क्रश कर लेते हैं, थोड़ा सा टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, टमाटर भी हल्का सा भून के हमारा तैयार हो गया है। टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, टमाटर थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहेगा तो अच्छा लगता है। गैस को थोड़ा सा स्लो पे कर लेंगे। अब हमने ये जो मैगी क्रश की हुई थी वो मैगी मसाले के साथ थोड़ी देर भून लेंगे। इसको हम थोड़ी देर मसाले के साथ यूं ही भून लेंगे। ज़्यादा देर नहीं भूनना है, लगभग 1 से 2 मिनट।
मैगी को इस तरह चलाते चलाते ही आपको भूनना है और गैस की आंच को स्लो ही रखना है। स्लो पर रखने का ये फायदा रहेगा कि हमारी जो मैगी है वो जलेगी नहीं। तो अब हमें भूनते भूनते लगभग 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें पानी मिलाते हैं। अब गैस को थोड़ा सा तेज कर लेते हैं। पानी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ही मिलाना है क्योंकि एक बार में ही डाल देंगे तो मैगी तो ज़्यादा गीली हो जाएगी तो वो अच्छी नहीं होती। मैंने गैस को तेज कर दिया है और इसको थोड़ी देर पकने देते हैं। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा ही डालिए क्योंकि मैगी मसाला है उसमें भी नमक होता है। अब हमें मैगी को हाई फ्लेम पे ही लगभग 10 मिनट एक उबाल आने तक पकाना है। इसको खुला ही पकाएंगे, ढकने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए एक उबाल लगभग आ गया है तो इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। अभी इसको अच्छी तरह से बनने में 10 से 15 मिनट और लगेंगे तो हम इसको अब ऐसे ही खुली आंच पर पकाते रहेंगे। दोस्तों अब हमारी मैगी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।